तो हेलो गाइस, स्वागत है आज आपके एक और वीडियो में। और आज हम आईफोन 7 प्लस में गेम टेस्ट करेंगे, जो पबजी गेम है BGMI इंडियन वर्जन। तो उसको टेस्ट करेंगे, चला के देखेंगे कि वो इसमें कैसा चलता है। बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि इसमें गेमिंग टेस्ट करके दिखाओ, 2023 में इसमें गेम कैसा चलता है। वैसे तो ये फ़ोन में बैटरी वगैरह की थोड़ी दिक्कत रहती है, मतलब अप टू द मार्क नहीं है आज के मुकाबले। बहुत सारे फोन ऐसे हैं जिसमें बैटरी अच्छी आती है, लेकिन गेम इसमें कैसी चलती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। गेम इसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा चलेगा गेम इसमें। तो बहुत दिन से वीडियो भी नहीं डाली थी, मैं बहुत बिजी भी हूँ इस समय, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। और आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा मैं क्यों बिजी हो रहा हूँ, वो यूट्यूब से रिलेटेड है। और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, अभी थोड़ा उस चीज़ को डिले चल रहा है तो मैं उसमें बिजी हूँ। तो मैं अब आपको गेम दिखाता हूँ, इसमें गेम चलता कैसा है। तो सिंपल BGMI खोला मैंने। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे जो लोग लो पावर मोड लगा के खेलते हैं, बैटरी वाला सेवर मोड, तो इसकी परफॉर्मेंस जो होती है गेम की वो हल्की सी गिर जाती है। लो पावर मोड का काम यही होता है, वो आपके फ़ोन में जितने भी टास्क हैं उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, प्रोसेसर का एक तरीके से थोड़े बहुत कोर बचाता है ताकि आपकी बैटरी हेल्थ बूस्ट हो सके, प्रोसेसर लोड कम देता है। जैसे इंजन जो है वो अपनी फुल हॉर्स पावर से नहीं दौड़ रहा है, थोड़ा सा कम से दौड़ रहा है, जिससे बैटरी जो है कम जा रही है। तो ये चीज़ है। तो मैं लो पावर मोड में इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन की बैटरी 2 सेकंड भी नहीं टिकेगी, मतलब टिकेगी पर इतनी ज़्यादा नहीं टिकेगी। तो जिनके पास आईफोन 7 प्लस है और 100% बैटरी हेल्थ है, ओरिजिनल बैटरी डली है 100%, देन आई थिंक वो चल जाता है 2-3 घंटे। आप आराम से 3-4 घंटे लगातार खेल सकते हैं, 3 घंटे तो खेल ही सकते हैं। तो ये गेम है, मैं आपको इसमें गेमिंग करके दिखाता हूँ, देख लीजिए आप गेम। इसमें ग्राफिक्स, जो लोग ग्राफिक्स देखते हैं देख लीजिए, स्मूथ पे अल्ट्रा, यानी 40 FPS का गेम प्ले चलेगा इसमें, ना कि 60 FPS। 60 FPS का ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। तो आईफोन 8 और 7 प्लस में लोग बहुत पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो जिनको गेमिंग के लिए है वो 60 FPS आईफोन 8 में अवेलेबल है, लेकिन वो फ़ोन हालांकि छोटा है। तो मैं कहूँगा आप आईफोन 8 प्लस लें, जिसका साइज़ तो इसके बराबर है, लेकिन इसमें आपको 60 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अब तो अब आपको दिखाते हैं स्मूथनेस इसकी 40 FPS की कैसी है। तो ये मेरे फ्रेंड की किसी की आईडी है, तो मैं आपको इसमें गेम प्ले दिखाता हूँ। मैं भी पहले बहुत खेलता था BGMI और काफ़ी अच्छा खेलता था। देख लो कैसा चल रहा है, 40 FPS फील नहीं हो रहा है कि 40 FPS है। ये देखो ऐसा लग रहा है, एंड्रॉयड के कई 40 FPS आते हैं जो 40 FPS लगते नहीं है, तो उस हिसाब से एंड्रॉयड के हिसाब से तो ये बहुत सही है। ये देखो कैसा चल रहा है, कोई डिले नहीं। और आप इसका 40 FPS देख रहे होंगे, 60 FPS जैसा लगता है, जैसे एंड्रॉयड में जैसा 60 FPS होता है, वैसा नॉर्मली आईफोन का ये जो 40 FPS है, मुझे 60 FPS जैसा लग रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रही कि 40 FPS में खेल रहा हूँ। और मेन बात आपको मैंने जैसे बताया कि लो पावर मोड लगा हुआ है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी वैसे भी कम है, तो पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए लो पावर मोड हटा के आप खेलेंगे, अगर आपकी 100% बैटरी है तो कितना ही अच्छा चलेगा। इसकी मेरे इस फ़ोन की बैटरी हेल्थ जो है वो 85 है, तो उस हिसाब से अच्छा चल रहा है गेम। आप देख सकते हैं मतलब स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, 60 FPS आप गेमिंग कर सकते हैं, 60 FPS जैसा लग रहा है। सॉरी यार हिला ना यार, तो रिकॉर्डिंग हिला रहे हैं, उद्धा कर थोड़ा अगे नो की करा भाई, वो हाथ जरा इधर नो बैंड है। हम देखिए हम तो देखिए ना भूत बनाने, देखिया खेलना होंदा हम थोड़ी ना, तो ये तो है नहीं कि कभी भी नहीं बनाएंगे। तो गाइस स्मूथ अल्ट्रा का गेम प्ले आ, तुसी BGMI बिल्कुल खेल सकते हैं।
स्लाइड हरे है। तो ये जो बिच थोड़ा जहा हों 40 FPS, लेकिन तुम्हें बैटरी भी दसागे कितनी गई बैटरी एक टीडीएम लगा के। तो मेरे फोन की बैटरी 85 है, तो उस हिसाब से आप जितेंगे तो नहीं MVP का नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बहुत गंदा खेलिया। चलो गाइस, तो हम मैं बैटरी दसदा कितनी गई। तो बैटरी जी गई आ, मैं देखा सी स्टार्टिंग में तुम दसना भूल। तो गाइस सिर्फ एक टीडीएम खेल के सिर्फ 2% बैटरी गई है, तो इतना बुरा भी नहीं है। बट आप एंगल वगैरह खेलेंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा जा सकती है, पर ठीक चलता है ऐसा। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा चलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आप बताइए आगे कमेंट करिए कि मैं फ़ोन में भी ये पबजी टेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कंटेंट मैं लाऊं कि ना लाऊं। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि अगले कौन से फ़ोन में मैं पबजी टेस्ट करूँ। तो अगर आप वर्डिक्ट की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत लोग ना आईफोन 8 लेने को कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आईफोन 8 थोड़ा ज़्यादा छोटा पड़ जाता है फ़ोन, काफ़ी उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, और उसमें भले 60 FPS चलता हो लेकिन उसकी बैटरी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो 7 Plus के बराबर ही है, थोड़ी बहुत कम चलती है बल्कि आईफोन 8 में। तो मैं कहूँगा अगर थोड़े बहुत पैसे डाल के आईफोन 8 प्लस ले लें अगर आप, तो उसकी बात अलग है। आईफोन 8 प्लस आपको स्क्रीन भी 7 Plus जितना ही उसका स्क्रीन साइज़ भी है, और गेमिंग भी आपको 60 FPS मिलेंगी। तो 8 प्लस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, पर अगर आप सोच रहे हैं 7 प्लस या 8 में से, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं इसका भी डिटेल्ड कंपैरिजन ले आऊँगा। पर मेरे अकॉर्डिंग इतना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है 8 में, बल्कि आप 7 प्लस पे भी खेल सकते हैं, इतना बुरा नहीं चलता है।